रामनगर में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब मोहन छोटा था तभी उसके माँ का देहांत किसी बीमारी के कारण हो गया था। मोहन के पिताजी ने फैसला किया कि वह दूसरी शादी कभी नहीं करेगा और खुद ही मोहन को पालेगा। दोनों बाप बेटे राजा भीमसेन के यहाँ काम करते थे। राजा उनको उनकी मेहनत के बदले केवल 2 किलो अनाज दिया करता था। 2 किलो अनाज में बाप बेटे का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे या फिर आधा पेट अनाज खाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन मोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा के यहाँ नौकरी छोड़ देनी चाहिए और हमें कुछ और काम करना चाहिए। हमें दूसरे शहर में नौकरी करनी चाहिए क्योंकि हमें हमारे काम के बदले राजा इतना कम अनाज देता है। इतने कम अनाज के कारण हमारा पेट भी कभी सही से नहीं भरता और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तू सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर चढ़ा देगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी कर रहे हैं। चल, अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ और मैं जल्दी से खाना बना देता हूं। मोहन जंगल से लकड़ियां लाने चला जाता है। तभी मोहन के घर एक बुढ़िया आती है और हरिया से कहती है, बेटा हरिया, तूने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, अब और कष्ट मत झेल। बुढ़ापे में भी तो चैन की रोटी बैठकर नहीं खा पाया। तेरा बेटा अब जवान हो गया है तो उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर पर बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को कम से कम घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। दिन भर तुम लोग मजदूरी करते हो और शाम को आकर फिर खाना बनाते हो। घर में बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को घर के बहुत सारे कामों से छुटकारा मिल जाएगा। काकी, मोहन की शादी हुए 1 साल पहले ही हो चुका है। क्या कहा तूने, मोहन की शादी हुए 1 साल बीत चुका है? लेकिन तुमने तो कभी ये बात किसी को बताई ही नहीं। आखिर वजह क्या है जो तुमने इस बात को छुपाया? काकी, वजह तो कुछ नहीं है। मोहन की बहू अपनी माँ के घर है। जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर बहू माँ के घर क्यों है? तुमने उसे वहां क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में छोड़ने के लिए जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? तू आज ही मोहन को भेज दे बहू को मायके से लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं काकी? हमें गरीबी तो चारों तरफ से घेरे हुए है। हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सके, और ना ही मोहन के पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें वहां पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। मोहन के पास तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें से भी 10 पेवन लगे हुए हैं। पेवन लगे हुए कपड़े पहनकर ससुराल जाता हुआ मोहन भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे हरिया, मैं तो तुझे बड़ा होशियार समझती थी, मगर तू तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बस इतनी सी बात के लिए तुमने मोहन की बहू को उसके मायके छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई बड़ा बखेड़ा होगा, मगर यह भी कोई बात हुई। चारपाई और कपड़ों की वजह से तू घर की बहू को घर नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बैठाने के लिए, और मोहन के लिए नए कपड़े भी खरीद कर लाऊंगी। फिर इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। फिर उसके बाद हरी सोचने लगता है, ठीक ही तो कहती है काकी, मुझे मोहन की बहू को घर वापस बुला लेना चाहिए। अगर मोहन की बहू आ जाएगी तो हमें भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा मोहन को बहू को लेने के लिए। फिर बुढ़िया हरी के घर आती है और बाजार से मोहन के लिए कुछ कपड़े और एक चारपाई ले आती है। मोहन चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप यह चारपाई कहां से ले आए हो? बेटा, ये चारपाई मुझे शांति काकी ने दी है, और उन्होंने तुम्हें नए कपड़े भी दिए हैं।
लेकिन पिताजी शांति काकी ने आपको चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा शांति काकी ने ये चारपाई तेरी बहू के लिए दिया है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ तू कल इन नए कपड़ों को पहनकर तू अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, ऐसे में हम नैना को क्या खिला पाएंगे? वह हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ सब जानता हूँ मैं बेटा, मगर बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ सकता ना, आखिर कभी और कभी तो लाना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू कल ही जाकर बहू को मायके से ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, मैं कल ही जाकर नैना को मायके से ले आऊंगा। अगले ही दिन मोहन बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर नैना को लाने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में मोहन की खूब खातिरदारी होती है। मोहन एक हफ्ते तक अपने ससुराल में ही रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी नैना को लेकर अपना घर चल देता है। लेकिन रास्ते में मोहन सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है, नैना देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं नैना को शांति काकी के घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। मोहन अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब हरि ने मोहन को अकेला आता देखा तब वह मोहन से बोला, बेटा तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया बेटा? पिताजी मैं नैना को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे शांति काकी के घर छोड़ आया हूँ, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और सामान इधर का उधर बिखरा पड़ा है। नैना ये सब देखेंगी तो शायद उसे ये सब अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो नैना को अपने घर ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल, वे तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ, तुझे ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था, पता नहीं महाराज तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं। मोहन बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने नैना की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर नैना को बड़ा आश्चर्य हुआ। नैना मन ही मन सोचने लगी कि क्या यह घर उसका नहीं है, तो उसने बुढ़िया से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी अगर यह घर मोहन का नहीं है तो फिर मोहन का घर कौन सा है? बेटी मोहन राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नई नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वह काम करके आने ही वाला होगा, उसके आने से पहले चल, मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देती हूँ। फिर बुढ़िया नैना को उसके घर छोड़ आती है। नैना को मोहन का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, उन पर भी जगह जगह पेवन लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। घर की ये हालात देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? ये घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नैना बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर के साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने घर को पूरा साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर मोहन के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन मोहन और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। नैना बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में वह अकेली, उसका दिल घबराने लगा।
कि कहीं कोई चोर उचक्का का उसके घर में न घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही मोहन और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। मोहन ने 2 किलो अनाज, जो उन्हें राजा देता था, अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे पका लो। नैना को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मोहन से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है, आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। नैना, राजा हमें हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं और राजा आप लोगों को 2 किलो अनाज देकर बहला देता है। राजा आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत भला किसमें है? कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लाना। राजा को साफ साफ बोल देना, महाराज 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता है, आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दे तो। और हाँ, यह सब राजा से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर राजा ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करने से साफ मना कर देना। अगर राजा को आपकी जरूरत होगी तो वह आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। नैना, अभी तुम राजा को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना, तो वो हमारी जबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया नहीं है? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है? और ना ही झूठ बोल रहे हो, सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो? तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है बेटी, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं राजा से जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन मोहन और उसके पिता हरि दोनों राजा के पास चले गए और फिर हरि राजा से बोला, महाराज आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूँ। पूरा दिन काम करने पर भी आप हमें सिर्फ 2 किलो ही अनाज देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है महाराज, हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है महाराज, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़कर 3 किलो कर दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। हरि, ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए थी, भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री साहब आज से हरि का अनाज 5 किलो से बढ़कर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दी जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब नैना ने मोहन के सर पर अनाज का बड़ा थैला देखा, तब वह समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस थैले को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं नहीं बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन अनहोने तो हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना हमें हमारे मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम खामखा महाराज से डरते हैं, लेकिन महाराज तो बहुत दयालु हैं। हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। हरि ने नैना को बहुत दुआएं दी। नैना बहुत होशियार थी, राजा द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका देती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी आज आप राजा से कहें मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है, अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उसे हमारा गुजारा नहीं हो पाता।
आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे फिर से राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज मैंने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी है, अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं, अगर आप हमारा अनाज बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ तो तुमने बहुत अच्छा किया हारी, जो मोहन की शादी करवा दी, मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। दस किलो अनाज को देखकर नैना बहुत खुश हुई। अब वह आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। ये 8 महीने तक चलता रहा। अब नैना ने काफी अनाज जमा कर लिया था। फिर एक दिन वह अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी आज से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। लेकिन बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए, राजा आप लोगों को जो अनाज देते हैं मैंने उसमें से कुछ अनाज जमा किया है। इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और वहाँ ये अनाज भेजो। भगवान ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखा था और फिर कल से हम उसमें अनाज शुरू कर देंगे। हरि ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ ना कुछ सामान जरूर लाते। एक दिन नैना अपने घर के आगे बैठी होती है, तभी उसकी नजर कोने पर पड़े सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर नैना की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। नैना जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में ढिंडोरची ने ऐलान किया। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी के जबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात नैना को पता चली तब उसने रानी के हार की बात को किसी से जिक्र नहीं किया, इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वह मंत्री से बोला, मंत्री हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री तो मैं काम करो, एक बार फिर से राज्य में ऐलान करवाओ कि राने का हर अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वह हर मिले वो बिना डर के आकार राजा को बताएं। जो भी हर लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ढिंडोरची से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा देता है, सुनो गांव वालों, सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। एक चिड़िया रानी का हर लेकर उड़ गई है। जिस भी व्यक्ति को वो हार मिल जाए उस हर को राजा को दे देगा तो राजा उसे ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन नैना अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का हर कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है और राजा उसे ढूंढ रहे हैं, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे राजा मुंह मांगी कीमत देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं पिताजी? नहीं बहू, राजा झूठ कभी नहीं बोलते। वो जो भी बोलते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। राजा को एक ज्योतिषी ने बताया है, हर किसी घर के आगे पड़ा हुआ है। ज्योतिष बिल्कुल सही कह रहे हैं, रानी का हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था, अब वो हार मेरे पास है। आप वह हार ले जाकर राजा को दे दीजिए। हरि नैना से वह हार लेकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा हरि से कहता है, हरि आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मंगाना है मांग लो। हरि मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो अन्यथा ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, अगर आप इतना कह रहे हैं तो पहले मैं अपने घर पर बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है हरि, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना
हरि अपने घर चला जाता है। घर आकर वह नैना से कहता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब कल आप राजा से कहें, क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं, जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन हरि राज महल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा हरि से बोला, कहो हरि, अपने परिवार वालों से क्या बात करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दे तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से गुजर कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है हरि, मैं आज ही मंत्री से कह रहा हूँ, तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब भालो फूलो और खूब तरक्की करो। फिर राजा मंत्री से कहकर हरि को 5 बीघा जमीन दिलवा देते हैं। अब हरि खेत में दिन रात मेहनत करता है। और मोहन अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत धनी हो जाते हैं। फिर मोहन एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इस तरह मोहन की बहू की समझदारी और चालकी से कुछ ही दिनों में हरि और मोहन के गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाते हैं। रामपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और दयालु था। राजू रोज अपने खेतों में काम करता था और उसी से अपना घर चलता था। राजू के पास एक बैल था जिसका नाम भीमा था, जिसकी मदद से वो अपनी सारी खेती किया करता था। भीमा, तू जल्दी जल्दी ये हरे घास खा ले, उसके बाद हमें खेतों पर भी जाना है। तू तो जानता ही है हमें कितना सारा काम है, इसी खेती के सहारे तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूं। उसी गांव में राजू का एक दोस्त नंदू भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और अलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा राजू का दिल जीत लेता था। एक दिन जब राजू अपने खेतों में काम कर रहा था, तब नंदू उसके पास आकर उसे बोलता है, अरे राजू, कैसे हो मित्र? अरे भाई नंदू, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊँ राजू, तुम तो जानते ही हो कि इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे ऊपर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूँ घर बार छोड़कर बहुत दूर चला जाऊं। बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। अब कोई अपना भी तो नहीं है जिससे कोई मदद मांग सकता। क्या नंदू, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। सही कह रहे हो राजू भाई, जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। राजू, क्या तुम अपनी बैल मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है, इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बदले में मैं तुम्हारी बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बैल को जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। राजू को नंदू की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगा।
वह दिल से चाहता था उसका दोस्त इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। बिल्कुल नंदू भाई, तुम मेरा यह बैल ले जा सकते हो। मैं अपना बचा हुआ काम बाद में कर लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी काम अभी यही है कि मेरा दोस्त इस परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर कुछ और चाहिए तो वह भी बता देना। किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। धन्यवाद राजू, तुम दोस्त नहीं भाई हो भाई। आजकल ऐसी दोस्ती कहां देखने को मिलती है। मैं जल्दी ही आता हूं तुम्हारा यह बैल वापस करने के लिए। नंदू खुशी खुशी राजू के बैल को लेकर चला गया, लेकिन उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके मन में काई खुराफात चल रही थी। अरे वाह, मैंने राजू को कितना आसान से मूर्ख बना दिया। वैसे भी वह तो सीधा साधा है। अगर यह बैल मैं उसको वापस ही ना दूं तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वह तो मुझसे पूछने की भी हिम्मत नहीं करेगा। क्यों ना मैं इस बैल को बेचकर थोड़े पैसे कमा लूं। इससे मेरे पैसे की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नंदू ने उस बैल को बड़े व्यापारी को बेच दिया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इस बैल के तो अच्छे खासे पैसे मिल गए। कुछ दिन बाद राजू को उसके बैल की जरूरत पड़ी। उसकी फसल काटने और नई फसल उगाने का वक्त आ गया था और उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था। काफी दिन हो गए नंदू को मेरा बैल ले गए। अब तक तो उसका काम हो गया होगा। वह तो आया नहीं मेरा बैल वापस करने। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके पास जाकर अपना बैल ले आता हूँ। राजू तुरंत ही नंदू के घर पहुंच जाता है। अरे नंदू भाई, तुमने कहा था मेरा बैल कुछ दिनों में लौटा दोगे। तुम्हारा काम हो गया हो तो अब मैं अपना बैल ले जा सकता हूं ना। मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। राजू भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वह बात यह है कि तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। ठीक हो जाने दो उसे, फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। राजू को अपनी बैल की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर उसका बैल बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक होगा। राजू ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने फसल को काटा। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन नंदू ने अभी तक उसका बैल वापस नहीं लौटाया था। राजू को खेत की जुताई के लिए उसकी बैल की जरूरत थी, इसलिए वह फिर से नंदू के घर गया। नंदू, मुझे अपनी बैल की जरूरत है भाई। मुझे मेरा खेत जोतना है। क्या मेरा बैल अब ठीक हो गया है? क्या राजू भाई, मैंने उसे अभी अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आना। राजू को नंदू की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जिसने राजू को बुलाया और बोला, राजू बेटा, मैं तुम्हें रोज नंदू का घर जाते हुए देखता हूं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि नंदू ने तुम्हारी बैल एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ देखा था। बेटा, तुम्हें उस दुष्ट नंदू की बातों में नहीं आना चाहिए था। बुढ़े आदमी की बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैंने तो नंदू को अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह मेरा बैल खुद वापस लौट आएगा। बाबा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। राजू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बता देता है कि उसे क्या करना है और फिर अपने घर चला जाता है। कुछ देर में नंदू उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी वह बूढ़ा आदमी उसे देखता है और अपने पास बुलाता है। क्या बात है बाबा, आपने मुझे इस तरह रोक करके क्यों बुलाया? हाँ बेटा नंदू, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ राजू रोज तुम्हारे घर पर
किसी बैल के लिए आता है। हाँ बाबा, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे किसी से बात करते सुना है कि उसे यह बैल को उसे एक साधु महात्मा ने दिया था और कहा था कि जिसके पास भी ये बैल रहेगा उसकी खेत फसल से लहलहाती रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या क्या बात कर रहे हो बाबा? हे भगवान, हाँ मैंने क्या कर दिया, जरा से पैसे के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गवा दिया। अभी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूँ, बस उस आदमी ने उस बैल को कहीं बेच न दिया हो। नंदू उस बैल को लेने उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब वो उस बैल देखता है तो उसकी जान में जान आती है। चलो यह तो अच्छा है कि इस व्यापारी ने उस बैल को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं बैल को लेकर जाऊं कैसे? हाँ भाई नंदू, मैं तुम्हें यह बैल देना तो नहीं चाहता, क्योंकि यह 10 आदमियों का काम अकेला ही कर देता है मेरे खेत में। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैंने इसका एक उपाय निकाला है। मैं तुम्हें बैल तभी वापस दूंगा जब तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे। मंजूर है तो बोलो। बेटा नंदू, यह 3 गुना पैसे तो बहुत कम है उस दौलत के सामने जो इस बैल से मुझे मिलाने वाली है। जल्दी से इसे पैसे दे और निकल जाए यहाँ से। ठीक है भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है। नंदू उस व्यापारी को पैसे देकर वहां से निकल पड़ता है। नंदू उस बैल को लेकर घर पहुंचा ही था कि राजू वहां आ जाता है। नंदू भाई, लगता है मुझे आज मेरा बैल मिल ही जाएगा। अरे राजू भाई, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तो इसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लो, अब ले जाओ अपने बैल को। अब राजू अपने बैल को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है और नंदू मुंह ताकता रहता है।